नमस्ते सभी को, बहुत बहुत नमस्ते। और आज जैसा कि छोटी होली है और छोटी होली के दिन होलिका दहन होती है, तो उसका मुझे यही पता है कि हम हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां होती है, जो अग्नि होती है, आज रात को जो होलिका दहन होता है, हम सब अपनी सारी बुराइयां उसमें डाल देंगे और वो जलकर खाक हो जाएंगी। तो मैं तो यही जानती हूँ और यही करती हूँ, यही इसी विश्वास के साथ और इसी आस्था के साथ हम सब आज होलिका दहन करेंगे दोस्तों रात को। और अभी फिलहाल तो सुबह हो रही है, सुबह का टाइम है और मैंने जैसे कि गुजिया नहीं बनाए थे, तो फाइनली अभी सोच रही हूँ कि गुजिया सोच नहीं रही हूँ, आज तो बनाना ही है एनी हाउ। सो तैयार हुई हूँ गुजिया बनाने के लिए। मेरे दोस्त फीमेल दोस्त की खास रिक्वेस्ट थी कि पर्सनली मैसेज करते हैं उनको, कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करता, आई डोंट नो क्या हेजिटेशन होती है, बट पर्सनली बोलते हैं कि मेरी फ्रेंड्स के आप थोड़ा रेडी होके वीडियो बनाया करें तो और अच्छा होगा, क्योंकि आपको सारी दुनिया देख रही है। सो मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि मुझे उन्होंने गुड एडवाइस दी। और वैसे भी हाँ, मेरी आदत है पहले से ही, चाहे मैं जब भी वीडियो नहीं बनाती थी तो मेरी आदत थी कि मैं रेडी होकर ही अपने सारे काम करना पसंद करती हूँ। एनीवेज, तो चलिए फिर आज का ये दिन शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि ये ड्राई फ्रूट्स हैं गुजिया के अंदर के मसाले के लिए, वो मैंने तैयार कर लिया है। अभी थोड़ा बहुत देखूंगी इसमें क्या नहीं है। ये हमारे स्वामी जी ने हमको ये हेल्प करके दी है, तो मैं स्वामी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी अपने। सो मैं अब आटा मल लेती हूँ मैदे का। अगर आपको गुजिया बनाते बनाते अगर आटा मलते मलते गुस्सा आए तो उसको कैसे निकालना होता है, उससे बेनिफिट ही होता है, देखिए। तो जैसे कि हमारा आटा मल चुका है, तो घर पे तो मम्मी लोग रहते थे, तो शर्मिला दीदी लोग रहते थे, तो उनसे थोड़ा आइडिया मिल जाता था। तो अभी तो मैं ही यही सुपर मास्टर हूँ, तो मैंने अपने हिसाब से करा है, लेट्स सी। तो अभी लंच टाइम भी हो रहा है, तो अभी मैं पहले दाल चावल बनाती हूँ, उसके बाद लंच करने के बाद फिर गुजिया बनाऊंगी आराम से। तो अभी मैं पहले चावल रख लेती हूँ, उसके बाद दाल, उसके बाद आज सब्जी नहीं बनाऊंगी। तो
पहले मैं ये बना लेती हूँ, उसके बाद मैं बीच में अगर मिलेगा तो सूजी भी भूनती हूँ, देखते हैं। मेरे पास बूरा नहीं था तो मैंने चीनी थी ज़्यादा पड़ी हुई घर पे, तो मैंने कहा उसी का बूरा बनाते हैं, वो भी तो उसी का होता है, तो पहले इसको ग्राइंडर में हम पीस लेते हैं। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो रख लेंगे पूरा, काफ़ी है। तो ये हमारा बूरा तैयार हो गया है। तो हमारा मसाला रेडी है गुजिया बनाने के लिए, तो चलो अब बनाते हैं प्यारी प्यारी गुजिया। तो गुजिया बनाने का सेटअप लग चुका है और हम बना रहे हैं गुजिया। आप लोगों ने तो बना दी होगी पहले, मैं थोड़ा लेट हो गई। एक्चुअली ये खास स्पेशल क्रिस के डिमांड पर बनाई जा रही है, तो और सबके लिए बनाई जा रही है। मम्मी शर्मिला अच्छा मसाला बनाए देख के तो लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजियों को, मेरे गुरुजी रहे हैं और इन्हीं की छत्र छाया में आज तक मैंने गुजिया बनाई है। और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं गुरुद्वार से बाहर हूँ और अकेले गुजिया बना रही हूँ, बट आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद भी देखिए परफेक्ट बन रही है और ईश्वर का आशीर्वाद बन रही है कुछ, वरना मुझे कहाँ आता है। तो देखो कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो हमको नहीं आता, हमको सीखना चाहिए, लगन होनी चाहिए। बुढ़िया क्या थी मम्मा, तो ये है हमारी गुजिया। एक तो मैंने खानी है, एक बस अनु को एक ही गुजिया खानी और एक बिना तेल वाली। टाइम कितना हो रहा है? 3 बजे, सॉरी 4 बजे। 4 बजने वाले हैं, वाल नहीं बज गए हैं।
तो दोस्तों आज होलिका दहन है और जहां तक मुझे नॉलेज है कि होलिका दहन होलिका दहन के दिन की कहानी मोटी मोटी पता है मुझे, मोटी मोटी के बीट भी पता है, पर हम थोड़ा विस्तार में नहीं जाएंगे तो आज थोड़ा याद कर लेते हैं कि एक राजा हुआ करते थे हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र थे प्रहलाद। वो भगवान विष्णु का बहुत अरे आती है आपको, तो वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे वो, और हिरण्यकश्यप जी को ये बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं था उनको कि वो उनकी पूजा ना करके हिरण्यकश्यप की पूजा, ओ सॉरी हिरण्यकश्यप वो हिरण मतलब वो उनकी अपने पिता की पूजा ना करके विष्णु जी की पूजा करे, तो उनको क्रोध था इसके प्रति अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा। तो बहुत सारे प्रयास बहुत सारे काम ऐसे करे उन्होंने तो, लेकिन तभी प्रहलाद का कभी भी क्या नहीं हुआ, वो सफल नहीं हुए। हाँ सफल नहीं हुए वो, और एक तो दिन, एक दिन उन्होंने अपनी बहन को बोला होलिका, होलिका को जो होलिका उनकी बहन थी, उनकी बहन थी और उन्होंने उन्होंने कहा, जोर से बोलो ना, हिरण्यकश्यप ने कहा अपनी बहन होलिका को कि इसको जला दो आग अपनी गोद में बैठा के, गोद में बैठा और होलिका को तो वरदान था कि मैं तो जलूंगी नहीं, मतलब उनको वरदान था कि वो जलेंगी नहीं, जलेंगी नहीं ना, और पर उन्होंने जलाया पर होलिका खुद जली और भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के बच्चे को बचा लिया, प्रहलाद उनके बेटे प्रहलाद को बचा लिया, बच गए वो। और उस दिन क्या थी, फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी, फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी उस दिन, तो इसीलिए फाल्गुन मास की पूर्णिमा को छोटी होली के रूप में मनाया जाता है ना, तो इसीलिए रात को और रात को उसमें जो होलिका लगाई जाती है तो उसमें हम सारी अपनी बुराइयां त्याग देते हैं, जला देते हैं, तो बुराई पर अच्छाई का ये पर्व है दोस्तों होली। बहुत ही सुंदर ब्रिज में बहुत ही सुंदर तरीके से होली मनाई जाती है, पूरे विश्व भर में होली मनाई जाती है, रंगों का त्योहार और रंगों की तो मैं क्या तारीफ करूँ, मतलब कलर अगर हमारे जीवन में ना हो तो हमारा जीवन बेरंग होता है, तो वैसे ही है हमारा जीवन, हमको हमेशा कलरफुल अपने जीवन को रखना चाहिए। तो ये थी होलिका दिवस की कहानी जो हम बुद्धों को पता है, तो शाम को देखते हैं फिर हमारे इधर आस पड़ोस में प्ले ग्राउंड्स हैं लगाए हैं बच्चों ने, होली का दहन की तैयारियां करी हैं, तो कोशिश करूंगी कि दिखा सकूं आपको जगह जगह, तो मिलते हैं फिर दोस्तों शाम के फिर में गुजिया बनाती। अनु क्या कर रहे हैं, इसे छेद कर दिया कुछ, ओ वाह, अंधेरे में तो पता ही नहीं चल रहा था कि किसने क्या कलर लगाया है, नॉट बैड होली का दहन, वाह अच्छा कलर लगाया।
ये थी मेरी होली की स्पेशल पूजा। तो दोस्तों ये हो चुकी है होली की छोटी सी पूजा और मेरे प्रभु ऐसे में ही खुश हो जाते हैं और मैं अपने पे भी तिलक कर लेती हूँ। ईश्वर ने कर दिया भगवान पे अपने, तो मुझे भी हैप्पी होली और आप सबको भी हैप्पी होली। हैप्पी होली, आपके जीवन में ईश्वर ऐसे ही रंग भरे और आशीर्वाद लहने पे भी लगा। हैप्पी होली बोल। हैप्पी होली। पर आपके बाल भी लगाओ। आज होली के शुभ अवसर पर मैंने सोचा है कि मैं अपने पगलों को कुछ, वैसे मूंग की पकौड़ी तो सबने खाई है लेकिन थोड़ा आज मैं स्पेशल तरीके से उसको बनाऊंगी। मैंने कहीं देखा था तो मैंने सोचा कि मैं इसको ट्राई जरूर करूंगी। तो होप सो, वो पहली बार बना रही हूँ उस तरीके से, तो होप सो अच्छी बने। तो देखते हैं फिर कैसी बनती है होली की स्पेशल पकौड़ी। देखते हैं फिर कैसे बनती है हमारी होली की स्पेशल पकौड़ी, मूंग की पकौड़ी। में डालेंगे हम ठीक है, आजा लगा ले, आना टीका लगा दे मेरे को। लो नहीं लगा रहे, मेरे साथ नहीं खेलो होली, तुम दिखाई दे रहे हो पहले कैमरे में, दो आओ डांस करो, चलो कैमरे में तुम्हारी रील बन रही है। हैप्पी होली। होली खेली भी होली स्टार्ट हो गई। होली स्टार्ट, क्या बोला लकी, मुझे मारोगे? मार 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 उसको मार, जल्दी का।
पूरे साल भर सारे कपड़े पुराने लगते हैं और होली के दिन मुझे अपने सारे कपड़े नए लग रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पहना। हैप्पी होली। बस यार, बस 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 दोस्तों, आप लोगों के चक्कर में मुझे ऐसे लाइव टेलीकास्ट के लिए बाहर निकल के खुद अपने भी कलर लगवाना पड़ा। दोस्तों, शेर को कभी देखा है आपने ऐसे खाना बनाते हुए? शेर को, शेर यही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से होली रही हमारी सेलिब्रेट और बहुत ही अच्छी होली हम लोगों ने सेलिब्रेट की। और अभी लंच बन रहा है, 3:30 हो गए हैं और कोई बात नहीं, कलर तो छूटता रहेगा, होली बार बार नहीं आती है। और इस बार हम सब गिरीश जी हम सब साथ में थे तो डबल ट्रिपल चौबल मजा आया है ना। और हम लोग को की जो प्राइवेट वीडियोस हैं जो इसमें शायद शो करने अच्छा नहीं लगता है हमको भी, किसी और को भी, जो लोग होते हैं हमारे फ्रेंड्स होते हैं, सो छोटा छोटा कैप्चर मैंने किया है। आई होप आपको पसंद आए। तो वंस अगेन दो हड्डी। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की हमारी प्यारी सी होली। राजस्थान में अलवर में पहली होली हम लोगों ने सेलिब्रेट की और कलर तो छूटते रहेंगे, कलर्स का क्या है, ये पल दोबारा नहीं मिलते हैं। और मैं ऐसे पल, मतलब कि जब मैं, हम सब पूरा परिवार, गिरीश जी हम सब साथ में हैं और ऐसे पल हम लोगों को बड़ी नसीब से मिलते हैं। ये सारी महिलाएं जानती होंगी क्योंकि हस्बैंड लोगों को बाहर ही काम पे रहना पड़ता है, तो इसलिए इस बार हम लोग सब साथ में थे तो बहुत अच्छा हमारा अलवर में ये होली रही दोस्तों।